नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में BHU UG एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स पर बात करूँगा और साथ ही साथ CUET UG एडमिशन के थ्रू BHU में UG एडमिशन से संबंधित अब तक का नया अपडेट्स क्या है, आगे क्या होने वाला है, एडमिशन कब से होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया कब से होगी, क्लासेस आपकी कब से शुरू होगी, इन तमाम चीज़ों पर आधारित मैं आपसे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजी के लिए जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है या इंट्रेंस टेस्ट है या प्रवेश परीक्षा है, वह मई में ही समाप्त हो चुकी है। जून पूरा बीत गया है और अभी तक यूजी का जो इंट्रेंस हुआ है उसका रिजल्ट तो छोड़िए, आंसर की भी जारी नहीं किया गया है। जबकि NTA की तरफ से यह दावा किया गया था कि CUET UG का जो आंसर की है यह आंसर की 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। आज 3 जुलाई है और 3 से 4 दिन का समय बीतने के बावजूद भी आंसर की जारी नहीं किया गया है और इससे संबंधित NTA या CUET के ऑफिशियल वेबसाइट NTA.ac.in या CUET.samarth.ac.in पर किसी भी तरह का नया अपडेट्स जारी नहीं किया गया है, कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जबकि इस चीज़ को लेकर के 13 से 14 लाख बच्चे परेशान हैं, लगातार वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी तक आंसर की भी CUET UG एडमिशन से संबंधित जारी नहीं किया गया है, ना तो इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर मान लीजिए इस सप्ताह में CUET UG का आंसर की 1-2 दिनों में जारी होता है, ये तो तय है। जहाँ तक मुझे लगता है कि CUET के द्वारा UG का आंसर की इस सप्ताह तक जारी हो जाएगा। और मान लीजिए कि CUET का आंसर की अगर कल परसों तक यानी 5 जुलाई तक भी आंसर की जारी होता है तो निश्चित रूप से कम 1 सप्ताह का समय NTA को देना पड़ेगा अगर कोई बच्चा क्लेम करना चाहता है उस आंसर को। इसके लिए तो अगर 5 जुलाई को आंसर की जारी होता है तो कम से कम अगर 1 सप्ताह भी क्लेम करने के लिए समय NTA के द्वारा दिया जाता है तो कुल मिला जुला करके 13 जुलाई हो जाएगा। और 13 जुलाई होने के बाद जितने भी क्लेम किए जाते हैं उन क्लेम के समाधान के लिए भी कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा, यानी फाइनल आंसर की जारी होने में लगभग 20 जुलाई के आसपास का समय आ जाएगा। और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद 2-3 दिन लग सकता है फाइनल रिजल्ट जारी करने में, यानी लगभग 22-23 जुलाई तक, अभी तक की जो स्थिति है 22-23 जुलाई हो जाएगा CUET UG का फाइनल रिजल्ट जारी होने में। और जब फाइनल रिजल्ट 22-23 तक जारी होगा उसके बाद अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा बाकी है। और जब PG में रजिस्ट्रेशन के लिए इतना ज़्यादा समय दिया जाता है तो UG में उससे भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि UG करने वाले सारे बच्चे इंटरमीडिएट पास होते हैं और बहुत ऐसे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, ऐसे ऐसे जगहों से आते हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर सूचनाओं का अभाव है। तो ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने से भी संबंधित समस्याएं हैं कि मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 दिन का कम समय उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर 15 से 20 दिन उनको रजिस्ट्रेशन करने का समय मिलता है तो 22 से अगर 15-20 दिन का लेंगे तो अगस्त का फर्स्ट वीक भी, यानी 8 से 10 अगस्त तक का समय आपका रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरने में चला जाएगा। तो काउंसलिंग कब होगी,
एडमिशन कब होगा? तो 10 अगस्त के बाद यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और कम से कम जब पीजी का एडमिशन होने में, जबकि यूजी पास करके बच्चे आए होते हैं, इन बच्चों को कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होती है, और इनका एडमिशन करने में महीनों लग सकता है, तो यूजी के एडमिशन में कितना समय लगेगा आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यूजी का एडमिशन पूरी तरीके से समाप्त होने में 2 महीने से कम का समय लगेगा। और अगर 10 अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो अगस्त और सितंबर दोनों, कम से कम सितंबर, अगस्त और सितंबर दोनों महीने एडमिशन में चला जाएगा। तो क्लासेस कब से शुरू होंगी, ये तमाम तरह के ऐसे चीज़ें हैं जिस पर लेकर के सोचने की ज़रूरत है, जिस पर लेकर के चिंतन करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें और CET के द्वारा जारी होने वाले आंसर की का इंतज़ार करें। जैसे ही आंसर की जारी होता है आप उस आंसर की के आधार पर मिलान कर लें और आप अपने इंडेक्स को देख लें। किसी तरह की आपको आपत्ति है तो आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 हफ्ते के अंदर आप अपना क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, और किसी तरह की शिकायत है तो आप उसको दर्ज करा सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को हमेशा चेक करते रहें, CET और NTA की वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहें। आप किसी भी तरह के अपडेट को पाना चाहते हैं या किसी भी तरह के सवाल हैं या डाउट हैं यूजी एडमिशन से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।